इस मई जून की गर्मी में मैंने अपनी आंखों से देखा है भरी दोपहरी में प्रेमी रिंगस से खाटू पेट पलड़ियां जाते बाबा के दरबार में, ऐसी महिमा है मेरे खाटू वाले की। इसी तो ये बहुत सुख है साहब, जीवन में जो सुख बाबा ने आपको दिए हैं उसकी कल्पना कीजिए। हम हमेशा बाबा से मांगते हैं मगर कभी जीवन में ये बात दो पल के लिए बैठ के सोचिए कि हमें जो हासिल है शायद बहुत ऐसे होंगे जो उसके लिए तरसते हैं। ये कृपा है खाटू वाले की कि उसने हमें अपने चरणों से लगा के रखा है। इससे ज्यादा आनंद और शांति आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जो दरबार में बैठे गर्मी के बारे में सोच रहे होंगे उनको गर्मी जरूर लगेगी, लेकिन जो बैठ के बाबा के बारे में सोच रहे हैं ना उसको गर्मी नहीं लगेगी। सबसे आप सोचिए प्रत्युष का आदर, इतना मेहनत करके सब सजाया, पूरा फाउंटेन लगाया थे और वो फाउंटेन नहीं चल पा रहा। अब खैर प्रभु का जो इच्छा वही होगा, लेकिन उसका बेचारा बच्चा का सोचिए उसका मन में कितना दुख होगा। सब एक ही तो फाउंटेन है भी वहाँ से चल पर नहीं हो पा रहा, वो प्रभु का इच्छा भी। ये जैसे मान लेना कि जो प्रभु की इच्छा है, अगर आप एसी की हवा नहीं खा पा रहे तो पानी की फुहारों को उसने भी बंद कर रखा है अपने लिए, चालू नहीं रखा। इसकी आप इंग्लिश में बोलते हो यार, प्रॉब्लम तो ये है आपके साथ। गाइएगा हृदय से, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। एसी में बैठ के वो आनंद मिलेगा क्या? रस्ते से उठा करके और गई मिलेगी क्या आपको? मिलेगी। अरे बोलो तो सही। तो फिर गर्मी को भूल जाओ और सिर्फ शाम को याद रखो, तालियां लगा के गाना क्या? दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। दिलदार कन्हैया ने तालियां बजानी पड़ेगी। गर्मी की चिंता त्याग के बजाओ तालियां शामों की। एक दो रस्ते से उठा करके
वरना आपकी मर्जी। सभी से निवेदन है मिलके लग जाए।
सजा सबर है तो उनके बच्चे पीछे क्यों से। मैंने क्या बोला, जब आप गर्मी के बारे में सोचोगे तो लगेगी, आप सिर्फ शाम के बारे में सोचो, गर्मी के बारे में वो सोचेगा कि क्या करना है। तालियां लगाना। कहे सांस है ये मुझको, चरणों में सुरक्षित हूँ मेरे दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, रिश्ते से उठा करके सीने से रास्ते का पत्थर था, आपने उठा करके अपने मुकुट में मुझे चढ़ दिया। हमारे अभिषेक भैया, जितनी बार मैं अपराध करता हूँ आधा दोष इनको जाता हूँ, क्यों कि इनके कहे से मैं करता हूँ। आइए, मैंने इतनी बार गर्मी का बोल दिया, आप लोगों को गर्मी लगने लगी, वाकई लग रहा है मुझे है? नहीं, शीश के रानी की, घोड़े के सहारे की, नीले घोड़े वाले की, यहाँ बैठे फिर काहे किसी बात की चिंता करें। आपकी शरण में प्रभु, और इससे अच्छी जगह पूरी दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती, इससे सुरक्षित जगह दूसरी नहीं हो सकती। अगर बात सच्ची हो, मेरे साथ गाइएगा सभी जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, बाबा के बच्चे, चाहे वो बाबा की बेटियां हो, बाबा के बेटे हो, सभी ने गाना है। आइए, कैसे करूंगा मोहन ये पार गहरी नदियां, कैसे 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 करूंगा मोहन ये पार गहरी नदियां, ना नाव का ठिकाना ना पास है खिवैया, ना नाव का ठिकाना ना पास है खिवैया, कोई न
We'll be right back.
ताड़ी बजाना, और जिसको खुद के बाजुओं में बहुत यकीन हो वो मत बजाना। मिलके जोरदार, एक दो तीन चार। घबरा जाते क्यों? हम ये नहीं सोचते कि हमारी डिमांड 5 रुपए की है, हो सकता है वो देने के लिए 50 बैठा हो, है ना? हमारी डिमांड 50 रुपए की हो, वो 5000 देने को बैठा हो। हम मान कर अपनी कीमत घटाते हैं, मत मानना। बाबा से कहना कि बाबा जितनी जल्दी हो सके घनी मत करिए बाबा, धीरज छूटो जावे है, धीरज छूटो जावे है, धीरज छूटो जावे है बाबा। अच्छी लगे तो गाओ मेरे जीवन में।
कोई बोलो 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 बाबा मेरे जीवन में कोई बात न होगी बाबा मेरे जीवन में कोई बात न होती ओ बाबा बैठो।
किसान बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ यारो, 5 मिनट का समय और मांग रहा हूँ, फिर अगले महीने मिलेंगे। अच्छा उसकी भी गारंटी नहीं है कि बाबा चाहेगा तो वापस मुलाकात होगी, ये तो इनकी मर्जी पर निर्भर करता है। वरना आज संदीप भैया जहाँ से आने में हमें 1 घंटे लगते हैं, आज बाबा ने कह दिया कि 2 घंटे के पहले तुम नहीं पहुंचोगे, अब पक्का 2 घंटे में हम आए यहाँ पे। बस रुकते रुकाते ही आए थे सारे, आइए बस आखिरी छोटी सी एक रचना, क्योंकि भगवान दास बजाज जी हमारे बीच उपस्थित हैं हैदराबाद से, उन्होंने मुझे बोला है तो किसी भक्त के मन की बात अधूरी ना रहे, क्योंकि हम तो अगले महीने फिर मिलेंगे, ये बेचारे हैदराबाद चले जाएंगे। तो आइए बस चलते चलते 4 पंक्तियां, उसके बाद दरबार में मेरे कई कई बड़े भाई बैठे हुए अपनी अपनी हाजिरी लगाने के लिए, आइए बस चार। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उनकी कृपा के इशारे समझना, बिगड़ी हो तेरी बनाता ही होगा, जो कुछ भी होगा। ज्यादा बोली प्रवचन नहीं, ऐसे भी मेरी बात को लोग पकड़ते बहुत तेजी से हैं, मैं कहता कुछ हो मतलब कुछ और ही निकल जाता है, तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मगर आप जो समझ रहे हो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है साहब, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुझे श्याम बाबा पे भरोसा जो होगा, तुझे श्याम बाबा पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, के साथ कैसे बोल सकती है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, बताओ तालियां बजाओ जरा। सीमाधारी करते करते कितना भरोसा हो गया, सेवादारी करते करते कितना भरोसा हो गया, तू मेरा और मैं तेरा जन्म का रिश्ता हो गया, तू मेरा और मैं तेरा जन्म का रिश्ता। Hey!
किस्मत भी इतनी अच्छी ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। श्याम प्यारे बहुत बहुत दे दिए दिया।